नमस्कार, मैं अश्वानी। आज है 10 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने कहा, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। नीतीश कुमार ने दिया धोखा, जनता कभी माफ नहीं करेगी। सड़कों पर वाहनों के दबाव का होगा अध्ययन। डाक विभाग ने टिकट जारी कर दिखाई तिरंगे की विकास यात्रा। इस्तीफे के बाद नीतीश और तेजस्वी ने बताई सरकार बनाने की रणनीति। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। रक्षाबंधन की तिथि को लेकर लोगों में है उलझने। इस साल रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि इस बार रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाएगा, तो किसी ने 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की बात कही है। ऐसे में इन दोनों तारीखों को लेकर लोगों के मन में काफी उलझने हैं। ऐसे में हम कैलेंडर के हिसाब से चले तो 11 अगस्त 2022 को राखी का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन सनातन परंपरा के त्यौहार कैलेंडर से नहीं बल्कि पंचांग से के आधार पर मनाए जाते हैं। ऐसे में हिंदू पंचांग परंपरा में सावन माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। दरअसल इस बार 11 अगस्त को पूर्णिमा वाले दिन भद्रा का भी साया है, जिस दौरान ये माना जाता है कि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 11 अगस्त को पूरे दिन भद्रा है, जो कि शाम को समाप्त हो रही है, इसलिए 12 अगस्त को ही राखी बांधने के लिए सलाह दी जा रही है, क्योंकि इस दिन सुबह 7:16 तक पूर्णिमा है। इस्तीफे के बाद नीतीश और तेजस्वी ने बताई सरकार बनाने की रणनीति। बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार का द एंड हो चुका है। बीते दिन मंगलवार 9 अगस्त का दिन बिहार के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला रहा। मंगलवार को पूरे दिन सियासी गहमा गहमी तेज रही। सुबह 11 बजे के आसपास नीतीश कुमार का अपने नेताओं के साथ बैठक हुई। इसके बाद महागठबंधन की सर्वसम्मति और 164 विधायकों के समर्थन के बलबूते नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इस्तीफे के साथ साथ समर्थन पत्र भी सौंप दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा पेश किया और महागठबंधन की रणनीति बताई। वहीं नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण को लेकर राज्यपाल फागू चौहान से समय मांगा है। महागठबंधन की नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। बिहार में NDA सरकार का द एंड होने के बाद आज महागठबंधन की नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह शपथ ग्रहण आज दोपहर 2 बजे राजभवन के राजेंद्र मंडपम में होगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रतन राजपूत की। रतन राजपूत एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और ब्लॉगर हैं। रतन को TV पर अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो में लाली के किरदार के लिए जाना जाता है। बाद में उन्होंने महाभारत में अम्बा और संतोषी माँ में संतोषी की भूमिका निभाई थी। रतन का जन्म बिहार के पटना जिले में 20 अप्रैल 1987 को हुआ और यहीं से उनकी स्कूली शिक्षा भी हुई है। रतन ने 2006 में रावण के साथ टेलीविजन की शुरुआत की। उन्होंने टेलीविजन सीरीज अगले जन्म मोहे बिटिया की जो में लाली के अपने चित्रण के साथ प्रमुखता हासिल की और कई प्रशंसा अर्जित की। 2013 में रतन ने एक रियलिटी शो बिग बॉस में 7 में भाग लिया। रतन राजपूत ने लॉकडाउन वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी और प्रमुख समाचार पोर्टल द्वारा कवर किया गया। नीतीश कुमार ने कहा, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। बीते दिन नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा। उन्होंने इस्तीफा देने की बड़ी वजह BJP द्वारा जदयू को तोड़ने की साजिश को बताया। जदयू विधायक दल के बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले तौर पर कहा कि BJP ने हमेशा अपमानित किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि BJP की तरफ से हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, हमें खत्म करने की साजिश रची गई, इसलिए गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। बैठक के दौरान विधायकों से कहा कि भाजपा के साथ हम लोग ठगा महसूस कर रहे थे। बलिराजगढ़ इस वजह से है बेहद खास। बलिराजगढ़ बिहार के मधुबनी जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इसे कुछ विद्वानों द्वारा प्राचीन शहर मिथिला का स्थान होने का दावा किया गया है। प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय का मुख्यालय मिथिला में राजा जनक के दरबार में था, इसलिए बलिराजगढ़ प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय का संभावित स्थल भी है। यह वह स्थान है जहां से प्राचीन भारतीय दर्शन के अधिकांश स्कूलों का उदय हुआ है। प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय से न्यायशास्त्र, तार्किक विज्ञान, सांख्य शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और कई अन्य भारतीय दर्शन उभरे। वेनसांग के रिकॉर्ड में 2 कुलों को 646 तक वज्री या मिथिला के साथ जोड़ा गया था।
नीतीश कुमार ने दिया धोखा, जनता कभी माफ नहीं करेगी, संजय जायसवाल। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भाजपा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार द्वारा इस्तीफा देने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में मैंडेट बिहार में बीजेपी और जदयू को मिला था। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, बिहार की जनता को धोखा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के जनादेश के साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया, जनता माफ नहीं करेगी। 2005 के पहले आरजेडी के शासनकाल में बिहार की जो स्थिति थी, नीतीश कुमार फिर वही बिहार बनाने के लिए निकल पड़े हैं। क्यों धोखा दिया ये वही बता सकते हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है क्या, यह भी बताएं। बीएसएफ ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिलाकर 323 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए 10+2 पास होने के साथ ही इंग्लिश या हिंदी में शॉर्ट हैंड का नॉलेज 80 वर्ड पर मिनट स्पीड के साथ होना जरूरी है। वहीं हेड कांस्टेबल पद के लिए आवेदक को 10+2 पास होने के साथ टाइपिंग का नॉलेज इंग्लिश में 35 वर्ड या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड के साथ होना जरूरी है। इसके साथ ही हाइट, वेट और चेस्ट की आवश्यक माप होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट bsf.gov.in पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। लगभग 25 जिलों में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग पटना ने बुधवार के लिए बिहार के लगभग 25 जिलों में बारिश की संभावना जताई। इस दौरान पूरे प्रदेश में उमस भरी गर्मी भी बनी रहेगी। मौसम विभाग पटना के अनुसार बुधवार को राजधानी पटना समेत प्रदेश के 25 जिलों के कुछ भागों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। हवा के साथ मेघ गर्जन और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने से ऐसी स्थिति हुई है। बिहार में फिलहाल अगले 24 घंटे हल्की बारिश की स्थिति बने रहने की संभावना बनी रहेगी। प्रदेश में मानसून अभी कमजोर पड़ गया है, इस वजह से मूसलाधार बारिश की स्थिति नहीं बन रही है। गिरिराज सिंह ने कहा पीएम बनने के लिए नीतीश ने मारी पलटी। बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच आखिरकार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भाजपा कोटे के मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहा कि चर्चा यह भी चल रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रेस में आगे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया है। जब विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या 43 आई, तब भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तेजस्वी ने उनके लिए ऐसे ऐसे शब्द के इस्तेमाल किए हैं, मैं वो भी नहीं कर सकता हूं। अब तो तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को पलटूराम नहीं कह सकते हैं। अब आगे जनता ही फैसला करेगी कि आखिर कौन गलत और कौन सही है। सचिवालय में प्रवेश के लिए जारी किए गए पहचान पत्र। बिहार में सचिवालय की सुरक्षा को बढ़ाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अब बिना पहचान पत्र के सचिवालय में एंट्री नहीं ले पाएंगे। इसके लिए राजपत्रित पदाधिकारियों को पीला, जबकि अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नीले रंग के कार्ड दिए जाएंगे। वहीं संविदा पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को सफेद रंग, जबकि सेवानिवृत्त आईएएस आईपीएस और आईएफएस अफसरों को हल्का पीला रंग का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। वहीं आधुनिक सचिवालय प्रवेश पत्र प्रणाली को लागू करने की मुख्य सचिव आमिर सुभानी से सहमति मिलने के बाद गृह विभाग ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सड़कों पर वाहनों के दबाव का होगा अध्ययन। बिहार के सभी सड़कों पर वाहनों के दबाव का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद व्यावसायिक वाहनों की संख्या तय की जाएगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल बिहार के किसी किसी रूट पर जरूरत से ज्यादा भारी वाहनों का परिचालन हो रहा है, जिसकी वजह से न केवल जाम से लोग प्रभावित हो रहे हैं बल्कि कई रूटों में यात्रियों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ऐसे में परिवहन विभाग ने फैसला किया है कि सभी रूटों पर गाड़ियों के दबाव का अध्ययन किया जाएगा। विभाग ने इस रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। जल्द ही रूटों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या का आकलन शुरू कर दिया जाएगा। अध्ययन रिपोर्ट आने के बाद उस पर क्रियान्वयन भी किया जाएगा। चिराग का बड़ा दावा, 2025 विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमट जाएगी जदयू। नीतीश कुमार द्वारा भाजपा का दामन छोड़ने के बाद रालोसपा अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। आपको याद होगा कि जदयू भाजपा का गठबंधन टूटने से पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पलटूराम कहा था। इसके बाद जब जदयू का भाजपा से मोह भंग हुआ तो चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार पलटूराम है, वह पलटी मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू शून्य सीट पर सिमट जाएगी।
डाक विभाग ने टिकट जारी कर दिखाई तिरंगे की विकास यात्रा। बिहार के डाक विभाग ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा डाक टिकट पर दिखाई है। डाक विभाग ने इस टिकट का मूल्य 75 रुपए रखा है। इसे सभी प्रधान डाकघरों में उपलब्ध करा दिया गया है। आपको बताते चले कि इस टिकट पर 1905 से लेकर तिरंगा अपनाने तक 6 बार बदलाव किया गया है। बिहार परिमंडल के पूर्वी प्रक्षेत्र चीफ पोस्टमास्टर मनोज कुमार ने बताया कि आम जनता के लिए सभी डाकघरों में यह उपलब्ध है। डाक टिकट संग्रह के शौकीन लोग भी खरीद कर रख सकते हैं, साथ ही लोग तिरंगा के क्रमिक विकास को समझ सकते हैं। आरसीपी सिंह ने लिखा, 2020 के जनादेश के साथ विश्वासघात। आखिरकार भाजपा जदयू के गठबंधन टूटने के बाद आरसीपी सिंह का बयान सामने आया है। गठबंधन टूटने के बाद इस घटनाक्रम को देखते हुए आरसीपी सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि बिहार की जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में दिए गए 2020 के जनादेश के साथ विश्वासघात। अब इस ट्वीट से कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है वो भाजपा का ही दामन थाम ले। आरसीपी सिंह के ट्वीट के बाद ट्विटर पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। यूजर ने लिखा कि विश्वासघाती के मुंह से विश्वासघात शब्द सूट नहीं करता है। वहीं एक यूजर ने लिखा, जदयू अत्यधिक संक्रमित हो चुकी है। जदयू के साथ मिलकर जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वह हार जाती है। अब जदयू का संक्रमण राजद को भी संक्रमित कर अत्यधिक कमजोर बना डालेगी। बीजेपी के साथ ही रहेंगे पशुपति कुमार पारस। बिहार में जदयू का बीजेपी से मोह भंग हो गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक ओर जहां जदयू और बीजेपी की राहें जुदा हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के ही दूसरे घटक और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पशुपति कुमार पारस से की लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय ने एक एनडीए में ही रहने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार को मिला हम का समर्थन। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया है और इसी के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी गठबंधन में शामिल है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना शर्त महागठबंधन सरकार को हम का समर्थन है। पार्टी विधायकों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में आस्था जताई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत ने 2010 में उपग्रह स्थित तंत्र आधारित विमान प्रचालन तंत्र गगन का सफल परीक्षण किया। देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म 1894 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के अभिनेता प्रेम अदीब का जन्म 1916 को हुआ था। चंबल के विहड़ों से सियासी गलियारों तक पहुंचने वाली फूलन देवी का जन्म 1963 में हुआ था। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचयिता श्यामलाल गुप्ता प्रसाद का निधन 1977 को हुआ था। भारत की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी का निधन 1980 को हुआ था। प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का निधन 1995 को हुआ था। भारतीय संस्कृति विद्वान पद्मभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय का निधन 1999 को हुआ था। अगर मैं चयन समिति का अध्यक्ष होता तो मुझे लगता है कि शमी स्क्वाड में होते। श्रीकांत। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और चयनकर्ता श्रीकांत ने कहा कि अगर वो चयन करते तो शमी का नाम निश्चित रूप से स्क्वाड में होता। गौरतलब है कि दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भारत के लिए अपना आखिरी T20 पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप में खेला था। स्टार स्पोर्ट्स के शो फॉलो द ब्लूज पर बोलते हुए श्रीकांत ने कहा कि मेरी टीम में शमी सचमुच थे। अगर मैं चयन समिति का अध्यक्ष होता तो मुझे लगता है कि शमी होते और शायद मैं रवि बिश्नोई के साथ नहीं जाता, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि अक्षर पटेल एक गंभीर दावेदार थे। मेरी टीम में यह अक्षर पटेल और अश्विनी के बीच एक बड़ा टॉस होता। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को दी यह खास सुविधा। मेटा के स्वामित्व वाला पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आए दिन खुद को अपडेट करता रहता है और अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स लेकर आता है। इसी कड़ी में एक बार फिर व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक सुविधा लेकर आया है। हालांकि यह सुविधा पहले भी दी जाती रही है। दरअसल बीते दिन ऐप के लिए एक अपडेट की घोषणा की जो यूजर्स को भेजे जाने के 2 दिन बाद संदेशों को हटाने की अनुमति देगा। पहले भेजे गए संदेश को भेजने के लिए 1 घंटे के भीतर ही उसे हटाने का विकल्प होता था, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। चंदू चायवाला की चमकी किस्मत। छोटे पर्दे का मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो सभी का बेहद पसंदीदा है। इसके साथ ही द कपिल शर्मा शो के तमाम कलाकार दर्शकों को काफी पसंद आते हैं। उनमें से एक हैं चंदू चायवाला यानी चंदन प्रभाकर। कॉमेडियन कपिल शर्मा के इस शो में अपने दमदार अभिनय के दम पर चंदन ने अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसके तहत अब चंदन प्रभाकर आपको OTT डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। वेब सीरीज के माध्यम से चंदन फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हालांकि चंदू की इस डेब्यू OTT सीरीज का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इस बात की ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है, जल्द ही चंदन प्रभाकर अपना एक्टिंग डेब्यू कर देंगे।
उत्साहपूर्ण मनाया गया सिमुलतला आवासीय विद्यालय का स्थापना दिवस। बिहार का एकमात्र जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय का बीते दिन 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मौजूद अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विभागीय स्तर की कमियों को जल्द दूर कर लिया जाएगा। शिक्षा सचिव ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विद्यालय में शिक्षणार्थ बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराएं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने कहा कि मेहनत कर ही आप अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। वहीं जिलाधिकारी ने शिक्षा कार्यक्रमों को बताते हुए कहा कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में रविशंकर हर 15 दिन में विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी हमलावर। नीतीश कुमार के बिहार एनडीए से निकलने के बाद भाजपा नेता हमलावर हो गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नित्यानंद राय ने नीतीश का नया सियासी नामकरण किया है। नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार को भटकू राम नाम दिया है। साथ ही उन्होंने नीतीश को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार के विकास में बाधक बनने वाले नीतीश कुमार को ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं पूर्व मंत्री और पटना साहिब से भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2020 का विधानसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी के कारण जीते। आज मैंडेट के साथ फरेब कर चले गए। जहां जाए उनका अधिकार है, लेकिन एक बार मैंडेट का अपमान क्यों करते हैं? इस राजनीतिक स्वार्थ की पराकाष्ठा कहते हैं। नीतीश सबके हैं जदयू मुख्यालय में लगाया गया नया पोस्टर। राजनीतिक उठापटक के बीच बीते दिन जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार का बड़ा पोस्टर लगाया गया है। पटना में लगे पोस्टर में लिखा है नीतीश सबके हैं। दरअसल इस पोस्टर के जरिए जदयू यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार पूरे देश के नेता हैं। लोग इस पर नीतीश कुमार की चुटकी भी ले रहे हैं कि नीतीश कुमार का कहना सही है, आखिर वो सबके हैं। पहले भाजपा के साथ एनडीए में थे, अब राजद के साथ हैं। वहीं इस पोस्टर से साफ है कि नीतीश कुमार खुद को आगे के चुनाव, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करेंगे। बिहार में मिले कोविड-19 के 150 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 133 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 996 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, औरंगाबाद में 2, भागलपुर में 2, भोजपुर में 4, बक्सर में 1, गया में 5, पूर्वी चंपारण में 1, गोपालगंज में 5, जमुई में 1, जहानाबाद में 2, कैमूर में 1, खगड़िया में 1, मधुबनी में 2, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 8, मधेपुरा में 1, में 2, नालंदा में 3, पटना में 43, पूर्णिया में 10, रोहतास में 2, सहरसा में 11, सारण में 8, सुपौल में 11 और वैशाली में 4 मामलों की पुष्टि हुई है। 3 ऐसे भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 113,453 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 160 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपू कुमार, चंदन झा, अनवर करीम, राम प्रवेश कुमार, श्याम नंदन चौधरी, राजकुमार प्रसाद, राकेश ठाकुर, सलीम अली, अशोक राम, रविन्द्र पासवान, नूर कौशल, रियाज अहमद, बिंदा शर्मा, पुरुषोत्तम कुमार और नथनी शाहू। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार नीतीश कुमार का एनडीए से बाहर होने का फैसला सही है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।